आज मैं आपको क्लास टेंथ बालाजी पब्लिकेशन की बुक से स्टार्ट करने वाला हूँ 2.1 बहुपद 2.1 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें कुछ थोड़ी चीज़ें जो हैं आपको जानना ज़रूरी है, उन चीज़ों को मैं बता दूँ। यहाँ पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है कुछ बहुपद, बहु प्लस पद। बहु का मतलब बहुत सारे, पद माने पद जिसमें बहुत सारे पद हों, वो बहुपद होता है। आपने इसको पढ़ा होगा कक्षा 7 की बुक में, बोला जाता था पदीय, जैसे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय, इस प्रकार के पद हुआ करते थे। जितने पद होते थे, जैसे एक पदीय लिखना है तो आपने 2x लिख दिया, द्विपदीय लिख दिया है तो 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी कि प्लस या माइनस से जोड़कर आप उसको कर सकते हैं। त्रिपदीय करना है तो इसी प्रकार से प्लस माइनस से जोड़कर आप कर सकते हैं। चतुर्पदी करना है इसी प्रकार से। ये इसमें आप पढ़ रहे हैं बहुपदी, यानी बहुत सारे पदों को। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक द्विघात के अंतर्गत भी है ये, और सिलेबस में इसको कट किया गया है, लेकिन द्विघात में ये इन्वॉल्व कर दिया गया है। इसका कुछ हिस्सा जो है द्विघात में इन्वॉल्व कर देगा। जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ रहे हैं वो द्विघात में एडजस्ट किया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में कई जगह लिखा हुआ द्विघात, और ये द्विघात इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इसमें दो घातों के अलावा आपको त्रिघात की बात नहीं की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद में हम इसके फार्मूलों को कैसे जानेंगे। एक इसका स्टैंडर्ड समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड समीकरण होता है। तो इसको आप क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, या अल्फ़ा प्लस बीटा कहें, या हम ये मान लें कि इस समीकरण के मूल क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम इसको मान लेते हैं तो ये जो है इसके मूल के योग हो जाते हैं। ये इसके मूल हैं तो इसके मूलों का योग हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये रख सकते हैं, या हम डायरेक्ट रख लें x का गुणांक कितना है, माइनस का b, और ये हो जाएगा a। तो हम ये भी रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए सूत्र मान सकते हैं, या हम ये नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको रख लेंगे ये, या हम इसको आराम से ये भी करना चाहें तो हम इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, एक फार्मूला बना लें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है। तो इसको हम एक फार्मूला बना सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 2/3 लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा लेकिन माइनस का 2/3 का मतलब ये दूसरा पद है और ये प्रथम पद की बात हो रही है, तो यहाँ नहीं 2/1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/1 लिख लेंगे। तो यानी कि ये दूसरा पद, उसके बाद प्रथम पद, और जब इसकी बात जब करेंगे गुणनफल की, अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्स ना लगा हो या वाई ना लगा हो। अचर पद का मतलब ये भी होता है जो बदले ना, जिसका मान बदला ना जा सके। तो ये क्या है, सी है इसमें, जिसमें कोई अदर चीज़ नहीं लगी हुई, एक्स वाई नहीं लगा हुआ है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो ये सूत्र भी हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर सी अपान ए रख सकते हैं, या चर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक रख सकते हैं, और इसके हिसाब से हम माने तो तीसरा पद बटे प्रथम पद, ये आपको रखना होता है। तो ये सूत्र, इन सूत्रों का हमें इस्तेमाल करना है, और इन्हीं सूत्रों के हिसाब से हमें सवालों को सॉल्व करना है सारे। ज़्यादा समय को ख़राब ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल अल्फा और बीटा है, तब अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिख लोगे समीकरण को, आप नोट करोगे, पहले सबसे पहले आप समीकरण को नोट कर लोगे। तो आपका समीकरण दिया हुआ है पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से आपको समझना है,
अब इसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर यदि बहुपद एक्स स्क्वायर के मूल अल्फा बीटा है, इसके मूल हमने मान लिए हैं कि अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बीटा जब हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी हमने सूत्र रखा था माइनस बी बाई ए, आपको ये क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान, अभी हमने सूत्र रखा था मूलों का योग बराबर माइनस का बी बटे ए, यानी कि दो बटे एक दूसरा पद बटे पहला पद, माइनस को लगा करके, तो दूसरा पद इसमें आप देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का वन बाई वन, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा वन, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, हमारा दूसरा क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये चीज दी है, तो इसका हम चाहें तो स्टैंडर्ड मानक समीकरण जो होता है उससे हम इसको पहले तुलना करा लें, तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो एक है, ए बराबर एक हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी बराबर एक हो जाएगा और यहाँ पर सी बराबर एक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है, तो ये चीज़ सॉल्व करनी है तो यहाँ पर है वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा, इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। अब आपको यहाँ पर मूलों का योग की भी ज़रूरत है और मूलों के गुणनफल की ज़रूरत है, तो सूत्र आपको मैंने पहले बता दिया था, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस का बी बाई ए और अल्फा बीटा का मान हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए माइनस बी, बी कितना निकाला है माइनस का एक निकाला है, ए कितना निकाला है वो भी एक निकाला है, सी कितना है एक है और ए कितना है वो भी एक है, तो यहाँ पर सब कुछ कट जाएगा एक दूसरे से, तो कितना बचेगा ए, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा माइनस का एक आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका देखिए दिया हुआ है फोर एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स और प्लस का सेवन के मूल हैं, तब अल्फा बीटा का मान आपको ज्ञात करना है, तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से तुलना करा दोगे, तो एक एक्स स्क्वायर के गुणांक से एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कराएंगे, ए का मान कितना हो जाएगा चार, फिर एक्स वाले गुणांक से कराएंगे तो बी का मान हो जाएगा तीन और सी का मान कितना हो जाएगा सात। अब आपको मान किसका निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है सी बाई ए या तीसरा पद बटे पहला पद, तो सी कितना है सात और ए कितना है चार, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको नोट करना है, क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आप क्वेश्चंस को नोट करते चलिए। हमने तीन क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, क्वेश्चन नंबर चार देखिए, ये क्या है फोर एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स और प्लस का सेवन, अभी ये क्वेश्चन हमने किया है ए का मान कितना है चार, बी का मान थ्री है और सी का मान सात है, यहाँ पर आपको इसका मान निकालना है वन बाई अल्फा और प्लस वन बाई बीटा का, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, दूसरा पद बटे माइनस का दूसरा पद, दूसरा पद है माइनस का तीन और पहला चार, फिर ये क्या होता है अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल, ये होता है तीसरा पद बटे चार, तीसरा पद कितना है सात और पहला पद है चार, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का तीन बटे चार और ये चौथा पद जो है चार ऊपर चला जाएगा और सात नीचे आ जाएगा, चार से चार कटा आंसर आपका माइनस का तीन बटे सात आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा, ये क्वेश्चन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू, ये भी कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको इंग्लिश में पॉलीनोमियल बोलते हैं। अब देखिए इसकी तुलना कराएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा एक, बी का मान कितना आ जाएगा छः और सी का मान कितना आ जाएगा दो, अब यहाँ पर इसका मान आपको निकालना है वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, तो ये कितना होना है अल्फा बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा,
तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का मान वही काम करेंगे, दूसरा पद बटे पहला पद, फिर क्या है यह हम डायरेक्ट रखते चले जाएं, तो यहाँ पर हम सूत्र से ही रख लें b बाई ए और ये हो जाएगा c बाई ए। तो दूसरा पद यानी ये कितना है माइनस का 6, और तीसरा पद पहला पद है 1 और ये 2 बटे 1। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 बटे 1 और 1 ऊपर और 2 नीचे, 2 3 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करते रहिए आप लोग क्वेश्चंस को। छह क्वेश्चन कंप्लीट किए हमने, सातवें क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर दिया है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 के मूल हैं, तो आपको ये चीज निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको एफ एक्स का मान कितना रखना होगा, 0 के बराबर रखना होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा, यहाँ से आप a का मान निकालोगे 6, b का मान अब देखिए कितना निकालेंगे आप, केवल x के गुणांक की तुलना करनी है, चिन्ह यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1 है। अब यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है 6 में, सॉरी यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है वहाँ पर हमने इसको प्लस करके कर दिया है, ये प्लस मान लीजिए। अब यहाँ पर अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा, तो ये जाएगा अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा, तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और पूरे का बटा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान रख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का बी बाई ए, माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस, प्लस का 1 बटे 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा माइनस सी बाई ए, तो माइनस का 2/6 हो जाएगा। अब ये अल्फा बीटा माइनस का 2/6, अब इसको हल करना है तो ये हो जाएगा 1/36 और माइनस का माइनस माइनस प्लस, 2 × 4/6 और पूरे का हो जाएगा माइनस का 2/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 1 हो जाएगा 6×36, तो 6 से गुणा हो जाएगा 4×6=24 और पूरे का बटा हो जाएगा माइनस का 2/6। अब इसको हल कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 25/36 और ये 6 ऊपर 2 नीचे, 6 ऊपर 2 नीचे चिन्ह माइनस का, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 6, 3 से इसको काटेंगे 12, आंसर आ जाएगा माइनस का 25/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। सात क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, छः में जो हमने माइनस का नहीं किया है उसको मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि गलती से वो हो गया है।